नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महाभारत में कर्ण के पास एक ऐसा कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अब रूस ने ऐसा ही महाकवच भारत को दिया है। इसके आने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत देश के हवाई सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाएगा। इस महाकवच का नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसकी पहली खेप पंजाब में तैनात की जा चुकी है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद हो रही है। पाकिस्तान और चीन युद्ध करने या हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है। कुछ महीनों पहले अल्माज आते के डिप्टी सीईओ व्याचेस्लाव जिरकान ने कहा था कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि हमारी कंपनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप तय समय पर इस साल के अंत तक भारत को दे देगी। जिरकान ने बताया कि भारतीय मिलिट्री के अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है जो S-400 मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। इस मिसाइल को चलाने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों की 2 खेप ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे लगता है कि भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं, महाकवच है। इसके सामने बड़े से बड़े दुश्मन कांपने लगते हैं। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसके सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी दम दबाकर भाग जाता है। इसके तैनात होने के बाद देश के दुश्मन आसमान से हमला करने से पहले सोचेंगे। वो घबराएंगे क्योंकि इस महाकवच के सामने दुनिया का कोई भी बाहुबली हथियार काम नहीं करता। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना के ताकत में इजाफा होगा। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था जिसकी लागत $5 अरब यानी ₹33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ध्वस्त कर देगा। जी हां, आपको बता दें, S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकेगा जो जंग के दौरान भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना बना लेगा। चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान, यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। रूस ने साल 2024 तक भारत को एक एक करके ये मिसाइल सिस्टम देने की बात कही थी। S-400 एक बार में 172 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रॉलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की थी। ये एक सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।